अस्सलामु अलैकुम सामाईन और नाज़रीन इकराम, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद आप खैरियत से होंगे मेरे भाइयों। ये जो वीडियो आपने शुरुआत में देखी है ना, ये मुख्तसर है, मैं बड़ी वीडियो दिखाने वाला हूँ, बस चंद मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लीजिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कौम की बहन बेटियों की ईमान व अकायद की और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। ये जो कुछ आपने देखा है ये तालीम के नाम पर हो रहा है, एजुकेशन के नाम पर हो रहा है। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की वीडियो है, जहां एक होटल के अंदर जब पुलिस ने छापा मारा तो आप देख सकते हैं इसमें अक्सर नकाब वाली लड़कियां हैं, बुरके में रहने वाली लड़कियां हैं। बुरका जो कि एक इज्जत वाला हिजाब है, जो कि हमारी इज्जतदार बहन बेटियां इसको पहनती हैं, लेकिन इसको बदनाम करने की ऐसी आवारा किस्म की लड़कियों ने इस बुरके को, इस नकाब को, इस हिजाब को बदनाम कर दिया, इस ड्रेस को बदनाम कर दिया है ऐसी आवारा किस्म की लड़कियों ने जिनको आपने वीडियो में देखा। सब एजुकेशन के नाम पे हो रहा है। माँ बाप मेहनत से पैसा कमाता है, वो कॉलेज भेजता है, यूनिवर्सिटी भेजता है, लेकिन इस तरह की आवारा लड़कियां ना तो अपने माँ बाप का ख्याल, ना उनकी मेहनत और मशक्कत का ख्याल करती हैं, और ना अल्लाह उसके रसूल का डर उनके दिलों में होता है, और वो आवारागर्दी पे उतर आती हैं। और इन लड़कियों से ज्यादा कसूरवार वो लड़के हैं जिनके खुद के घरों में भी बहन बेटियां हैं, और वो दूसरे की बहन बेटियों के साथ मुंह काला कर रहे हैं। तो इन आवारा नौजवानों से कहूंगा कि अपनी बहन का भी ख्याल रख, तेरे घर में भी बहन बेटी है, माँ बाप का भी कसूर है इसमें कि वो एजुकेशन के नाम पर इतनी आजादी दे चुके हैं कि उन्हें ये तक तमीज ही नहीं कि हमारी बेटी ट्यूशन के नाम पे या कॉलेज के नाम पे या स्कूल के नाम से, घर से तो निकली है लेकिन स्कूल पहुंची, कोचिंग पहुंची या यूनिवर्सिटी पहुंची कि नहीं पहुंची, कोई फिक्र नहीं है। नतीजा, मेरी बात को आपने गौर से जो सुना है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जरा सोचिएगा जरूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।